बहुत सभी का स्वागत है मैं नए ब्लॉग में, जिसमें आज हम जा रहे हैं वाराणसी टू गया जी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी फिलहाल हम हाईवे पे थोड़ी साइड में रुक रखे हैं, क्योंकि अभी हम रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ पर हरी मिर्ची फैमिली रेस्टोरेंट में रुके हुए। तो भाई साहब अभी थोड़ा सा हमारा गया है दूर ऐसे तो, पर अभी हाईवे पे तो यहाँ पर लिखा आ जाता है, देख सकते हैं मेरे सामने अमास गया इन बिहार। तो अभी हमारा जो होटल है मेरी इधर की साइड में, राइट की साइड में, तो आप लोगों को होटल में दिखाया, तो ये हमारा होटल है अभी। तो यहाँ हम खाने पीना करना है, और जैसे जैसे खाना पीना करते हो जो हम खाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, और बाकी आपकी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूँगा। वाराणसी से गया जाने के 3 रास्ते हैं, प्लेन, ट्रेन और कार। अगर आप ट्रेन से जाते हो, ट्रेन से आपको वाराणसी जंक्शन से ट्रेन मिल जाएगी, जिससे आप बोधगया जंक्शन तक जा सकते हैं। ट्रेन से जाने में जो आपका समय लगेगा वो लगेगा 3 घंटे 20 मिनट। अगर आप वाराणसी से गया बाई रोड जाना चाहते हैं तो आप समय लगेगा 5 से 7 घंटे, क्योंकि वाराणसी से गया की दूरी 250 से 300 किलोमीटर की है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। फ्लाइट से जाने के लिए आपको वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, वहां से आप गया। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारी ये पूरी प्लेट देख सकते हैं, ये हमारी पनीर की सब्जी है हमारी, और यहाँ पर की हमारी दाल। तो अब हम इसे खाते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कैसे आगे खाना। तो हमारा खाना पीना हो चुका है और हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हमारा खाना पीना भी हो चुका है। रिफ्रेशमेंट भी हमने पूरी ले ली है, और हमने खाया था पराठे खाए थे, और रोटी खाई थी, और कढ़ाई पनीर खाया था, और दाल दी थी, बहुत ही सही था। और आप अगर ट्रैवल करेंगे तो आप लोग भी खा सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं रेस्टोरेंट, ये रहा हमारा पूरा। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, तो रास्ते में बने रहिए, जब जहाँ हम रुकेंगे तो वहाँ आपके साथ शेयर करेंगे हम कहाँ रुकेंगे, क्या खा रहे हैं और क्या घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं।